यूपी के जौनपुर के मछली शहर लोकसभा के पूर्व सांसद और वर्तमान लोकसभा मछली शहर प्रत्याशी बीपी सरोज ने बताया कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में सड़कों का जाल मछली शहर में देखने को मिल रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं और हम जनता के बीच इन्हीं कार्यों को लेकर जा रहे हैं और हमें जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। हमारे 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना का महाकाल आया और 3 साल मुझको कार्य करने का मौका मिला और 3 साल में हमने लगभग अपनी सरकार के द्वारा अपने लोकसभा में 5,000 करोड़ का काम लेकर गया। 3 NH हमारी सरकार ने, जैसे आपको जौनपुर से मड़ियाहूँ, मड़ियाहूँ से रामपुर, रामपुर से भदोही, वो NH लगभग जोरों पर काम चालू है, 6 महीने में जो है बनकर के तैयार हो जाएगा। दूसरा NH हमारा जो है मछली शहर से जंघई से जो है आपका ये दुर्गागंज होते हुए आपका सूर्यावा तक, ये भी NH का जोरों पे काम चालू हो गया। एक NH का काम अभी रुका हुआ है NOC के लिए, अब ये दूसरे टर्न में उसको, जैसे मछली शहर से मड़ियाहूँ, मड़ियाहूँ से जलालपुर, जलालपुर से थानागढ़ी, थानागढ़ी से मुरैला, जो ये भारतमाला में माननीय गडकरी जी ने जो पाथ यहाँ आकर के शिलान्यास किया था, इस NH को हमको बनवाना है। और दूसरा, हम रेल मंत्रालय को और माननीय वैष्णव जी को भी बार बार धन्यवाद दूंगा कि मेरे मछली शहर लोकसभा में जनता की मांग पर मेरे प्रयास से 10-10 ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया और विभिन्न स्टेशनों के सुंदरीकरण के लिए उन्होंने लगभग 350 करोड़ का जो है स्वीकृति करने का काम किया। जनता ने पूरा मन बनाया है कि 2024 में यहाँ मछली शहर लोकसभा में फिर से कमल खिलने जा रहा है। रही कोई भी प्रत्याशी आने जाने दीजिए, जब हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और प्रयास के तर्क पर बिना कोई भेदभाव का काम कर रही है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, जब हमारी सरकार बिना भेदभाव का काम कर रही है तो जनता ने भी मन बनाया है कि बिना भेदभाव का हम 25 मई को कमल के निशान के सामने वाली इतनी बटन दबाएंगे यहाँ मछली शहर के देवतुल्य कार्यकर्ता और समर्थक की विरोधियों की जमानत जब्त।